हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ ऑडियल ऑनलाइन क्लासेस। दिस क्लास फॉर स्टैंडर्ड ईयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी सॉल्व चैप्टर 14। योर चैप्टर 14 इज पॉलीगन। पॉलीगन लाइक एस ट्रायंगल हैज थ्री साइड, क्वाड्रेटियर हैज फोर साइड, पेंटागन हैज फाइव साइड, हेक्सागन हैज सिक्स साइड, इटीसी। फर्स्ट वी सॉल्व द एक्सरसाइज। यू मस्ट रीड द डिटेल्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 175। इसमें पॉलीगन्स के बारे में, उनके डिफिनेशन के बारे में सारा दिया है, तो इसको आपको रीड करना है और सारी डिफिनेशन को अपनी कॉपी पे नोट करना है। आपको यहाँ ट्रायंगल, क्वाड्रेटियर, पॉलीगन पेज नंबर 176 पे यह सारा दिया है। ट्रायंगल थ्री साइड, क्वाड्रेटियर फोर साइड, यानी ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन तक 10 साइड तक आप इसमें कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसी पेज नंबर 176 में ये फार्मूलाज दिए हैं, इसको आपको लर्न करना है, कॉपी पे नोट करना है, इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फार्मूलाज मैंने लिख भी दिए हैं। जैसे अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 को जो उसकी साइड है, मान लीजिए क्वाड्रेटर की चाहिए तो चार साइड है, हम फोर से डिवाइड कर देते हैं। पेंटागन की चाहिए, फाइव साइड होती है, एलिप्टिकल टू साइड है, फाइव से डिवाइड कर देंगे तो किसी भी पॉलीगन का हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमको अगर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो 180 में से जो उसका एक्सटीरियर एंगल है उसको माइनस कर देंगे तो हमको उस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हमें किसी पॉलीगन के डायगोनल, जो क्रॉस लाइन होती है उसको बोलते हैं डायगोनल, अगर डायगोनल फाइंड करना है किसी भी पॉलीगन का तो फॉर्मूला है n n माइनस 3 अपॉन 2। n मींस व्हाट, साइड, यानी किस साइड का है। अगर ट्रायंगल करना है तो n की प्लेस पर 3 रख के सॉल्व आउट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक चाहिए तो n की प्लेस पर 4 रख के सॉल्व आउट कर लेंगे। अब हम लोग एक साइड पे चलते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग को एक साइड के क्वेश्चन करेंगे तो एक साइड जल्दी समझ में आती है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर। ये देखिए, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन, पॉलीगन ऑफ 15 साइड, हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक्सटीरियर एंगल फार्मूला है आपका 360 माइनस अपॉन एन, जहां एन इक्वल टू दिया है साइड। तो जैसे फर्स्ट है पेंटागन, हम जानते हैं पेंटागन में साइड होती है फाइव, ये हम पीछे से कर भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसका एक्सटीरियर एंगल हमको फाइंड करना है तो 360 n की प्लेस पर रखेंगे 5 और डिवाइड कर देंगे 72। इसी टाइप से अगर हमको हेक्सागन का निकालना है, हेक्सागन में 6 साइड होती है तो 360 को हम 6 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, और 15 साइड का है तो डिवाइड बाई 50, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब हमको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन इंटीरियर के लिए पहले हमको एक्सटीरियर निकालना होगा। इफ हमको इंटीरियर एंगल चाहिए तो हमको पहले एक्सटीरियर चाहिए होगा, तो कैसे निकालेंगे। जैसे 10 साइड दी है, 10 साइड, अब इसका हमको पॉलीगन का, इसमें 10 साइड है, हमको इंटीरियर फाइंड करना है
तो इंटीरियर के लिए पहले हम एक्सटीरियर फाइंड करेंगे, यानी 360 अपॉन n, n की जगह साइड देंगे 10, ये आ जाएगा 36 डिग्री। अब इसके बाद इंटीरियर, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर आया टेन साइड का 36, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे 144 डिग्री। तो इस तरह से हम इसके एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट What is the sum of all interior angles of a regular pentagon? What is the sum of all interior angles of a regular pentagon, hexagon, nonagon or polygon of 12 sides? तो जो polygon दिए हुए हैं, इनके सभी जो angle हो गए, उसका sum। जैसे पेंटागन है ये, तो जो इंटीरियर इसके 5 एंगल है, इंटीरियर में 5 एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? तो सम निकालने के लिए हम लोग जाएंगे फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ आल इंटीरियर एंगल, पॉलीगन कोई भी हो, फॉर्मूला है हमारा 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 9। तो इसमें n n साइन, साइन है आपकी 5, तो n की प्लेस पर रखेंगे 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 6 2 5 का 10 में से 4 जाएगा 6 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे 540। इसके इंटीरियर एंगल का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हेक्सागन है तो n की प्लेस पे 6 रखेंगे, इफ ट्रायंगल है तो n की प्लेस पे 3 रख के हम उसका जो है सभी एंगल इंटीरियर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन, डायगोनल का है मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल इसी प्रकार से जैसे इसमें ऑक्टागन की पूछी है, सेकंड है आपको ऑक्टागन, ऑक्टागन यानी 8 साइड, डायगोनल कितने होंगे हमको चाहिए एन की प्लेस पर 8, तो एन की प्लेस पर 8 रख के सॉल्व करेंगे इसको 8 मल्टीप्लाई 8 में 3 या 5 अपॉन 2 4 का 4 5 20 डायगोनल्स
ऑक्टागन में हम आ सकते हैं। तो जिसका हम पूछ रहे हैं या साइड दी है तो अकॉर्डिंग टू साइड हम मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला और डिफिनेशन फर्स्ट लर्न कर सकते हैं, तो चैप्टर 40 आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इफ कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई डिफिकल्टीज क्वेश्चन में आ रही है, तो आप स्कूल व्हाट्सअप अदरवाइज स्कूल ऐप पे आप उसको डिनोट करके भेज सकते हैं। थैंक्स।